कांग्रेस के कोषाध्यक्ष प्रकाश जैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रकाश जैन ने अपने पत्र में निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा देने का कारण बताया है। उनके इस्तीफे के तत्काल बाद अशोक सिंह को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। प्रकाश जैन के कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल ने कहा कि कोषाध्यक्ष पद के लिए प्रकाश जैन के पास अनुभव की कमी थी, उन्हें काम करने में परेशानी आ रही होगी, शायद इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रकाश जैन साहब की मिसेज की तबीयत भी खराब है और कांग्रेस का कोषाध्यक्ष पद एक दुधारू तलवार है। ईमानदारी से काम करो तो अध्यक्ष जी खुश होंगे और थोड़ी सी ज़्यादा ईमानदारी बताओगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है, व्यक्ति वो अच्छे थे, व्यवहार कुशल थे, लेकिन अकाउंट्स के जानकार नहीं थे। कोषाध्यक्ष पद पे अकाउंट्स का जानकार भी होना चाहिए, अकाउंट्स की समझ भी होना चाहिए, फिर इतनी हिम्मत भी होना चाहिए कि गलत बिल को पास नहीं होने थे। अब यदि गलत बिल पास होते हैं तो कहीं ना कहीं पद की बदनामी होती है। वो ईमानदार आदमी है, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन जो समझता नहीं है, जिसका व्यवहार नहीं हो, जिसकी जान पहचान नहीं हो, जो मार्केट के रेट नहीं ले सकता हो, वो कहीं ना कहीं चूक भी सकता है। तो ऐसा लगता है कि कुछ तो अनुभव की कमी थी और कुछ पारिवारिक कारण थे जिसके कारण मैं सोचता हूँ उन्होंने इस्तीफा दिया होगा। रहा सवाल अशोक सिंह जी का, बड़े भले आदमी हैं, उनके पिताजी राजेंद्र सिंह जी मुझे छोटा भाई मानते थे, समझदार हैं, अकाउंट भी जानते हैं, बिजनेस भी जानते हैं। अब वो ग्वालियर से आएंगे, अब ग्वालियर से आके वो व्यवस्थित संभालें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, लेकिन समय तो देना पड़ेगा। वो बिना समय दिए बिना कांग्रेस का कोषाध्यक्ष पद एक महत्वपूर्ण पद है जिसमें पार्टी का फंड हमको व्यवस्थित और सुव्यवस्थित करके और खर्चों को नियंत्रित करना पड़ता है। देखें आगे क्या होता है। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।